हेलो दोस्तों, आप कभी भी उज्जैन आना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। आपको कहाँ रहना, कहाँ खाना और कैसे घूमना है वो सब कुछ बताऊंगा। जो यहाँ के राजा थे विक्रमादित्य, उनके बड़े भाई थे राजा भट्टरी। उन्होंने इस गुफा में बिना कुछ खाए पे यहाँ पर 12 साल तपस्या करी थी। जानकारी ये है बड़े भाई कि आप लोग जिस मंदिर पे जा रहे हो, पूरे भारत का एकमात्र मंदिर है, नौ गुरुओं में से मंगल ग्रह का। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई किचन। आप सभी का स्वागत करता हूँ हरेश ट्रैवल व्लॉग में। अभी मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ स्टेशन से। यहाँ से सबसे पहले जाना है रामघाट, तो रामघाट स्नान करके खुद में बाद दर्शन करने जाना है महाकाल के। तो अभी पहले यहाँ से ऑटो लेते हैं, फिर जाते हैं रामघाट काल के मंदिर। और रामघाट जाने के लिए कुछ ऐसी मैजिक मिल जाएगी जो 20 रुपये किराया लेती है, वो आपको पहुंचा देगी। आपको बस मिल गई है, रात भर चालू ही दे रहा है। आप कहाँ से हो? पुणे से आए। पुणे से हो? ए भाई साहब, पुणे से आए हैं महाकाल के दर्शन करने। और आप? मेघनाथ से आए हैं महाकाल के दर्शन करने। जय महाकाल। जय महाकाल। और कथा सुनेंगे महाराज की? महाराज की कथा चल रही है ना? हाँ चल रही है। अभी हम रामघाट जा रहे हैं स्टेशन से। स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी है रामघाट की, और मंदिर की दूरी 1.5 किलोमीटर की है। तो आप चल के भी जा सकते हो या ऐसी मैजिक लेके में बैठकर भी जा सकते हो। इसका किराया है 20 रुपये पर पर्सन का। फिर हम सुबह ही पहुँच गए, काफ़ी सारी दुकानें अभी बंद है। तो पहले रामघाट चलते हैं और वहाँ मिलते हैं। अभी मैं पहुँच गया हूँ रामघाट। मेरे पीछे देखे रामघाट। तो यहाँ पहले मैं स्नान करूँगा, उसके बाद जाऊँगा महाकाल के दर्शन करने। तो अच्छी अच्छी जगह देखते हैं कहाँ लोग स्नान कर रहे हैं। रामघाट ये शिप्रा नदी है, महाकाल का मंदिर शिप्रा नदी का किनारे आया है। तो मेरे पीछे देख रहा हूँ। उज्जैन शहर से सबसे पहले अवंतिका नगरी भी कहा जाता था। जब विक्रमादित्य यहाँ राज करते थे तभी यहाँ अवंतिका नगर इसे कहा जाता था। बाद में इसका नाम उज्जैन पड़ा। और हम रामघाट आए और ऐसी कुछ चित्रकला हमको देखने को मिली रामघाट के किनारे। और अभी हम स्नान करने वाले हैं और इसके बाद हम जाने वाले हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो हम सबसे पहले यहाँ स्नान कर लेते हैं। शिप्रा नदी के किनारे स्नान कर लिया। और ये रामघाट, यहाँ से अभी जाना है महाकाल के दर्शन करने। तो पहले नाश्ता करने चलते हैं, बाद में महाकाल के दर्शन करते हैं। तो पहले यहाँ से चलते हैं। रामघाट किनारा कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हम यहाँ से जाते हुए कुछ हमको शॉप देखने को मिल गई, जैसे कि ये शर्ट महाकाल लिखे हुए 120 रुपये में आपको मिल जाएंगे ऐसे शर्ट। और ऐसी दुकानों से आपको महाकाल के शर्ट मिल जाएंगे लेते हो तो। अभी हम नाश्ता करने यहाँ से जा रहे हैं। और नाश्ते में पौवा और चाय ली है, 13 रुपये का पौवा और 10 रुपये की चाय है। और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं महाकाल के मंदिर। और हमने रिक्शा ले ली ई रिक्शा, 10 रुपये में राम हमको मंदिर छोड़ देगी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी है, हमने सोचा क्यों ना जल्द पहुंच जाए महाकाल के मंदिर। तो अभी हम महाकाल के मंदिर, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी है, तो महाकाल के मंदिर चलते हैं और यहाँ क्या क्या है वो आप सबको बताएंगे। तो अभी हम मंदिर के आंगन में पहुंच गए और यहाँ से अभी आगे रक्षा नहीं जाएगी, तो यहाँ अभी चल के जाना होगा। तो हम भी चल के जा रहे हैं। तो हमने देखा कि यहाँ चंदन वाला टीका लगाते हैं, तो हमने भी सोचा क्यों ना लगा ले। महाकाल के दरबार में आए हैं, महाकाल की नगरी में आए हैं, तो हम भी टीका चंदन वाला लगा लिए। तो अभी लगाते हैं, कैसा लगता है आपको अभी दिखाते हैं। तो ये लगाने के समय मंत्र भी पढ़ते हैं।
गाइस चंदन वाला लगाया है अभी ये भैया से। आपका नाम? रोहित। रोहित। और इधर ही रोहित दरबार इधर ही लगाते हैं बाहर में, आपको तो कुछ ऐसा लगा देगा चंदन वाला। महाकाल के मंदिर के जाने कुछ ऐसा रास्ता आया, हम हर सिद्धि माता के मंदिर से आगे जा रहे हैं, उस रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ दो रास्ते, एक बड़ा गणेश वाला और एक हर सिद्धि मंदिर वाला। बड़ा गणेश वाला जो 250 रुपये का टिकट लेता है वहीं से जाना होता है, और फ्री में एंट्री होती है तो इस तरफ जाना होता है। तो हम फ्री वाले में ही जाएंगे, हमको टिकट नहीं लेना, हम फ्री में ही जाएंगे। तो आपको भी दिखाएंगे फ्री में कितनी देर लगती है दर्शन करने में, और यहाँ से अभी आगे जाना है दर्शन करने के लिए। कितनी दूर है वो भी हमको पता नहीं है, तो आपको आगे बताऊंगा यहाँ से कितनी दूर है और क्या क्या फैसिलिटी है आगे। मैंने प्रसाद भी ले लिया है बाहर से, और बैग भी रख दिया और माइक भी रख दिया। अभी इस माइक से कुछ ऐसा हो इशारा होगा तो इग्नोर करना। अभी आगे जा रहे हैं, कितना दूर है वो भी मुझे नहीं पता, और प्रसाद अभी ग्रहण करते होंगे या नहीं करते वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना और कमेंट में लिखना हर हर महादेव। यदि आप दर्शन करना चाहते हो तो 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और महाकाल लोक से हुए रास्ता जाता है फ्री वाला, तो अभी हम वहाँ से ही जा रहे हैं। और ऐसा कुछ रास्ता है, काफ़ी सारी लंबी लाइन भी लगी हुई है। 1/2 किलोमीटर तो चल दिए अभी तक नहीं आए। महाकाल के दर्शन करने इतने आसान नहीं है, महाकाल का बुलावा हो तो आप आ सकते हो। मैंने 2 बार प्लान बनाए और दोनों बार कैंसिल हो गए, ये 3री बार हुआ तभी मैं आ पाया था। अभी तो बहुत ही चलना पड़ेगा। मेरे सामने है महाकाल भक्त निवास, वहाँ भी आप रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, उसकी बुकिंग आप यहाँ आके ही हो सकती है, ऑनलाइन तो फ़ोन करके हो सकती है, पर उसकी कुछ इश्यूज हो। महाकाल भक्त निवास में आप रहना चाहते हो तो यहाँ आके ही बुकिंग करें, क्योंकि ऑनलाइन तो कुछ प्रॉब्लम होता है इसलिए नहीं होती। हम महाकाल कॉरिडोर यानी कि महाकाल लोक से गुजर रहे, आपको अभी तो यह बंद है क्योंकि बाबा जी की कथा चल रही है। हम कथा में भी आपको लेके जाएंगे, पूरा उज्जैन घूम के आपको कथा भी दिखाएंगे, वहाँ कितनी पेड़ है। तो अभी यह बंद है तो आपको बाहर से ही दिखाते चलते होंगे जाएंगे, यहाँ से ही रास्ता जाता है फ्री वाला, तो अभी बाहर से ही दिखाएंगे, अंदर तो नहीं जाने देते ये लोग। अभी 10 तारीख तक बंद है, तो ये वीडियो आप 10 तारीख के बाद 10 अप्रैल 2023 तक बंद है, उसके बाद ये वीडियो देख रहे हो तो आप आना चाहते हो तो ये महाकाल लोक में आप घूम सकते हो। नाइट में बहुत अच्छा शो होता है, लेजर शो। तो अभी देख, आपको एक बात तो बताना भूल गया, उज्जैन शहर में शिप्रा नदी का किनारे हर 12 साल में एक कुंभ मेला लगता है, जो 4 शहरों में भारत में होता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में हर 12 साल में एक ही बार मेला लगता है। ये मेला अंतरिक्ष में से भी देख सकते हो, इतनी भीड़ ये मेले में लगती है। एक कॉरिडोर से गुजरोगे या तो आपको महाकाल की अलग अलग रूप में मूर्ति को देखने को मिलेगी, जो आप अभी देख रहे हो महाकाल के अलग अलग रूप में मूर्ति को देखने को मिलेगी। यह खुलेगा तो और भी अच्छा लगेगा, आप यहाँ आओ तो ये महाकाल लोग घूम सकते हो। और ये है महाकाल भक्त निवास, आप यहाँ रुक सकते हो वो भी कम बजट में। आप महाकाल के मंदिर में दर्शन करने जाए तो यहाँ से आपको मोबाइल पॉकेट में ही रखना, बाहर नहीं निकालना। कहाँ बाहर निकालना है वह यहाँ आप आ जाते हो तो यहाँ से आप फ़ोटो भी खींच सकते हो, आपको रोक सकते हो फ़ोटो खींचने, क्योंकि यहाँ कैमरे वाले काफ़ी सारे लोग हैं, आपको वो फ़ोटो नहीं निकालने देंगे, वो अपने कैमरे से ही फ़ोटो सब फैमिली के निकालते हैं। तो अभी हमने कुछ फ़ोटो तो निकाल ली है, और ऐसा कुछ महादेव का मंदिर दिख रहा है, और यहाँ से आप ही आप प्रसाद भी ले सकते हो, महाकाल का आरती का प्रसाद। और यहाँ से अभी हम बाहर निकल गए, यहाँ काफ़ी सारे मंदिर है, और सभी मंदिर को आप दर्शन नहीं करते क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। अंदर से दर्शन करके आगे बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, अभी हम आए हैं बड़ा गणेश दर्शन करने, तो यहाँ कर लेते हैं।
₹250 वाला टिकट लेके भी दर्शन करना चाहते हो तो ये बड़ा गणेश है, उसके सामने ही आपको ऐसा एक काउंटर मिल जाएगा, यहाँ से आपको ₹250 का टिकट मिल जाएगा, यहाँ बैग मोबाइल सभी जमा करके भी दर्शन कर। उज्जैन आ रहे हो तो एक बात का ख्याल रखना, कैश साथ में रखना। मेरे पास कैश ख़त्म हो गया था और ATM ढूंढने में बहुत टाइम लग गया, कहीं ATM ही नहीं मिल रहा। मंदिर के पास जो ATM है उसमें कैश नहीं है या फिर वो बंद है। मेरे को 2 किलोमीटर चल के या ढूंढ ढूंढ के अभी उज्जैन की गलियों में घूम रहा हूँ और अभी 10 बज गए हैं। 1 घंटा तो ATM ढूंढने में ही लग गया, मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया। तो अभी आगे आए ऐसे सिद्धि माता के मंदिर जाना है, अभी वहाँ मिल जाए। अभी हम पहुँचे हरसिद्धि माता के मंदिर, जो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ माता की कोहनी गिरी थी और यहाँ महाकाल के मंदिर के पास में ही है हरसिद्धि माता का मंदिर। रात में कुछ ऐसे दिए जलाए जाते हैं यहाँ और दिन में ऐसा लगता है कुछ, रात में दिए जलाए जाते हैं तभी चारों ओर दिए के उजाला लग जाता है और यहाँ माता के दर्शन आप भी कर सकते हो। उज्जैन शहर में जब भी आप आए तो ये हरसिद्धि माता की संध्या आरती जरूर ले, काफ़ी सारे लोग यहाँ संध्या आरती लेने आते हैं, यहाँ दीप जलाए चाहते हैं तो वो देखने के लिए काफ़ी सारे लोग आते हैं। अभी हम जा रहे हैं उज्जैन शहर के बाहर, काफ़ी सारे मंदिर है वहाँ दर्शन करने। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कौन कौन से मंदिर हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये ऑटो लेके यहाँ भरतहरि की गुफा है, जो यहाँ के राजा थे विक्रमादित्य, उनके बड़े भाई थे राजा भरतहरि। उन्होंने इस गुफा में बिना कुछ खाए पिए यहाँ पर 12 साल तपस्या करी थी। यहाँ पे 2 गुफाएं, एक बाबा गोरखनाथ की और राजा भरतहरि की। राजा भरतहरि के गुरु थे बाबा गोरखनाथ और उन्होंने यहाँ पर 12 साल बिना कुछ खाए पिए तपस्या करी। हमें तो 4 गुफा के रास्ते आते थे, बद्रीनाथ केदारनाथ वगैरह। अब तो सिर्फ 2 गुफा के रास्ते चालू हैं, बाकी 2 गुफा बंद है। ठीक है, वहाँ पर हम ऑटो लेके आ गए राजा भरतहरि की गुफा और यहाँ राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे भरतहरि, उसने यहाँ 12 साल तपस्या की थी खाए पीने पीना, और उसके गुरु थे गोरखनाथ। उसकी भी गुफा है, 2 गुफा है, राजा भरतहरि की और गोरखनाथ की। और गोरखनाथ की गुफा से 4 धाम की यहाँ से गुफा जाती है, तो आप ये आपको अंदर जाके दिखाते हैं। आप अंदर आते हो तो सबसे पहले आपको हनुमान जी की मूर्ति देखने को मिल जाएगी और काल भैरव के सामने हमको मंदिर देखने को मिल जाएगा। यहाँ विक्रम बेताल का भी आपको सर देखने को मिल जाएगा। और ये भी हम जा रहे हैं सबसे पहले पहली गुफा में, तो ये भी यहाँ से जाने के लिए काफ़ी सारे लोग खड़े हो बाहर, क्योंकि कम ही लोग जा पाते हैं। गुफा बहुत छोटी है और यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है ऑक्सीजन की कमी के वजह से। यहाँ आप ऑक्सीजन की कमी है तो आप सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो अंदर मत जाइए, क्योंकि यहाँ हमको भी सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ आपको शिव जी की काफ़ी सारी शिवलिंग देखने को मिल जाएगी और यहाँ से 4 धाम की गुफा जाती थी सबसे पहले। यहाँ अभी तो नहीं जाती, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ ही यहाँ से, ये यह गुफा सामने देख रहा हूँ ना, यहाँ से पहले जाती थी, तो अभी तो नहीं जाती है। गुफा के अंदर जाते हो आपको सफोकेशन की प्रॉब्लम होती है, तो बुजुर्ग लोग अंदर ना जाएं, ये अंदर ऑक्सीजन की कमी है। अभी हम जा रहे हैं गोपी चंद की गुफा नंबर 2। अभी हम दूसरी गुफा में जा रहे हैं, गोपी चंद नाम की गुफा में, और ये गुफा भी बहुत ही छोटी गुफा है, इतनी बड़ी गुफा नहीं है। और यहाँ एक बाहर अंदर है रहते हैं और उसके गुफा में बाबा रहते हैं, अभी भी वो आपको सर पे झाड़ू लगा के आशीर्वाद देते हैं। और ये गुफा में कैसे रहते वो तो पता नहीं, ये बाबा यहाँ रहते हैं। और यहाँ गुफा में आती है आपको गर्मी इतनी लगती है, बात ही मुझ पूछो। और यहाँ ये मंदिर है, आप मंदिर में भी दर्शन कर सकते हो राजा भरतहरि के। और इसके किनारे शिप्रा नदी है, शिप्रा नदी के किनारे ये राजा भरतहरि की गुफा है, काफ़ी शांत पानी है अभी तो। शांति बनी आश्रम, और वहाँ पर आपको नंदी जी खड़े मिलेंगे, क्योंकि खड़े इसलिए मिलेंगे क्योंकि श्री कृष्ण जी आए थे तब उनके भोलेनाथ जी उनके स्वागत में खड़े थे, भोलेनाथ जी स्वागत में खड़े थे। हाँ, तो उनको नंदी जी को बैठने का नहीं बोला था, हाँ, इस कारण वो खड़े के खड़े रह गए, खड़े वहाँ अति प्राचीन नंदी जी आपको खड़े मिलेंगे। उसके बाद अपन चलेंगे मंगलनाथ।
शांति महर्षि शांतिमणि आश्रम। यहाँ पे श्री कृष्ण सुदामा और बलराम ने शिक्षा ली थी, वो विद्या स्थल है। छह हजार साल पुराना शिव। हाथ लगा लो बेटा, बढ़ जाओ चल। और यहाँ पे आपको श्री कृष्ण बलराम और सुदामा के 84 बैठक के दर्शन करने को भी मिल जाएगा। और यहाँ आपको उसकी यहाँ आपको श्री कृष्ण सीखी गई 14 विद्याओं के बारे में यहाँ आपको बताया गया है। तो यहाँ आके आप यहाँ देख सकते हो। जानकारी ये है बड़े भाई कि आप लोग जिस मंदिर पे जा रहे हो पूरे भारत का एकमात्र मंदिर है, 9 गुरुओं में से मंगल ग्रह का जन्म स्थान। मंगल ग्रह का जन्म यहाँ पर भोलेनाथ जी के मस्तक के पसने से हुआ है। भगवान भोलेनाथ जी का मस्तक का पसना गिरा था इस जगह धरती पर, धरती के तो भाग हुए और मंगल ग्रह ने जन्म लिया यहाँ पर श्री बालक रूप में। ये मंगल ग्रह जो शिवलिंग के रूप में विराजमान है, अपन लोग जितने मंदिर जाते हैं शिवलिंग के बाद नंदी जी को संभाल देते हैं। पूरे वर्ल्ड का पहला शिव मंदिर है जो आपको नंदी जी नहीं मिले। नंदी जी की जगह भेड़ की समाज राजस्थान में पाया था, मिंडा भेड़ यानी मिंडा। मिंडे का एक गाने है तो वैसे राज्य के स्वामी मंगल ग्रह है, 9 गुरु के सेनापति है। जिस प्रकार महाराष्ट्र में सन सिंगापुर शनिवार के दिन शनि भगवान को लोहा उल्टा काला कपड़ा तेल तेल काली चिट का डांस आता है, मंगल ग्रह लाल इनको लाल चिट का डांस आता है। आज मंगलवार का विसर्जन दिन मंगल ग्रह का दिन। ये है मंगलनाथ मंदिर, अभी रिनोवेशन हो रहा है ऊपर। काल भैरव यहाँ पे मंदिर चढ़ाई जाती है और महाकाल के दर्शन करने के बाद इनके दर्शन जरूरी भी। इनको ब्रह्म हत्या लगी हुई है, इन्होंने ब्राह्मण की हत्या करी हुई है। यहाँ पे दारू और प्रसाद चढ़ाने से घर में काल कलश वगैरह दूर होते हैं। जैसे जैसे इनके पेट के अंदर दारू जाती है ऐसे ऐसे घर में काल कलश वगैरह दूर होते हैं। और महाकाल के सेनापति जय महाकाल आते हो तो महाकाल के दर्शन दे रहे हैं। काल भैरव दरबार के दर्शन करने भी अनिवार्य है, या फिर आपको कहा महाकाल के भी दर्शन नहीं करना। यहाँ काल भैरव के दर्शन करने आते हो तो उसको शराब चढ़ाई जाती है। यहाँ काफ़ी सारी शॉप आपको देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ काल भैरव को शराब भी चढ़ानी हो तो आपको सामने यहाँ शॉप भी मिल जाएगी और प्रसादी भी यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ से अभी चलते हैं अंदर काल भैरव के दर्शन करने। और यहाँ आपको धागा पिरोए देखने को मिल जाएगा बैरिकेड में। यहाँ काफ़ी सारे लोग मन्नत मांगते और धागा भी लगाते हैं। यहाँ अभी हम आ गए हैं मंदिर के प्रांगण में। यहाँ काफी सारे लोग ऊपर फूल फेंक रहे हैं। फूल को फेंकना नहीं है, फूल को चढ़ाना है, तो फेंकना नहीं है, ये बात का आप ख्याल रखें। जब भी आए तो यहाँ आपको ऊपर फूल फेंकना नहीं है, ये बात का ख्याल रखना, नीचे रखना है। अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं गढ़ कालिका मंदिर, जो माता जी का वहाँ वोट गिरा था और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। उज्जैन शहर में 2 शक्तिपीठ आए हैं, एक हरसिद्धि माता का और एक गढ़ कालिका माता का। तो अभी हम यहाँ भी दर्शन करने आए हैं। यहाँ भी आपको ऐसी ज्योति मिल जाएगी, हर मंदिर में ऐसी ज्योति आपको मिल जाएगी। महाकाल संजय सोहान जी ने हमने पूरा उज्जैन घुमा दिया। और आप आ रहे हो तो संजय सोहान जी को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं गाड़ी नंबर आपने आपको बता दूंगा और डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर भी दे दूंगा। यहाँ आके ही कॉल करना, घर से कॉल मत करना। मेरे घर से भी कोई दिक्कत नहीं, मालूम पड़े सामने वाले लोग आ रहे हैं, वैसा कोई मिलने वाले। जय महाकाल। और आपको मैं गाड़ी नंबर दिखा देता हूँ तो इसको कांटेक्ट करना। और थैंक यू संजय भाई, आपने घुमा दिया। जय सोहन जी, हमको अभी यहाँ प्रदीप मिश्रा की कथा के छोड़ के गए। और यहाँ प्रदीप मिश्रा की कथा है, शिव पुराण चल रहा है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। 3 तारीख से 10 तारीख ये कथा चलने वाली है, 3 अप्रैल से 10 अप्रैल तक। अभी आप देख रहे हो कितने सारे लोग यहाँ कथा सुनने आए उज्जैन शहर में। तो यहाँ काफ़ी पैर रखने की भी जगह नहीं है, इतने सारे लोग आए। अभी यहाँ आप देख रहे हो काम भी चल रहा है। तो यहाँ पे आप कथा का आनंद लीजिए, जब भी वीडियो आएगा तभी तो कथा। दीप मिश्रा की कथा पे जाके आए, आपने देखा कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी।
तो अभी कुछ खाना भी अभी नहीं खाया। 2 बज गए हैं, 6 बजे की ट्रेन थी वो हमारी वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो गई है और तत्काल में वेटिंग लिस्ट कभी कंफर्म नहीं होती। पहली बार मैंने देखा कि कंफर्म हो गई, मेरा पहला ही नंबर था वेटिंग लिस्ट में तो कंफर्म हो गई। अभी मैं खड़ा हूँ रामघाट, मेरे पीछे देख रहे हो। अभी कुछ खाना चलते हैं। 10 बजे से कुछ नहीं खाया, 10 बजे नाश्ता किया था पोहा का, अभी कुछ खाना चलते हैं। और हमने खाने में लिया है दाल रोटी और सब्जी और चपाती, 4 रोटियाँ और 1 सब्जी और दाल राइस, 60 रुपये की थाली है। हेलो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ उज्जैन रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमारी 6 बजे की ट्रेन है सूरत जाने के लिए और अभी बजे 5, 1 घंटा अभी रुकना है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। कमेंट में लिखना जय महाकाल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।